हे गाइस, इट्स देवेश पैकेट अगेन विद इन अनदर वीडियो। सो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, एसओएलडीयू ने अपनी ऑफिशियल साइट पर एसओएल की थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम जिन स्टूडेंट्स के दिसंबर में होने वाले हैं 2022 में, उनकी टेंटेटिव डेट शीट को भी रिलीज कर दिया गया है। डेट शीट को चेकआउट कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ सारा प्रोसेस। सबसे पहले आपको इस साइट पर आना है, exam.du.ac.in। इस साइट पे जैसे ही आप आओगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, जाके इस साइट का लिंक डायरेक्ट आप वहाँ से देख सकते हो। इस पे आने के बाद आपको डेट शीट का ये जो सेक्शन दिख रहा है इस पे आना है। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे, आपको कुछ इस तरह की फाइनल डेट शीट ऑफ सेनेटरी चांस दिखेगा, ठीक है। तो आपको इस पे क्लिक नहीं करना है, आपको थोड़ा सा इससे नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे, आपको एनुअल के बाद ये चीज़ देखने को मिलेगी कि आपकी टेंटेटिव डेट शीट, ये देखो दिख रही होगी आपको, टेंटेटिव डेट शीट ऑफ अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर मोड एग्जामिनेशन नवंबर दिसंबर 2022। तो हाँ, यही डेट शीट आपको देखनी है। अब देखो, पहले जो डेट शीट आई थी उसमें सिर्फ रेगुलर और एनसी वेब के बच्चों की आई थी, अब एसओएल की डेट शीट भी रिलीज कर दी है। एसओएल की डेट शीट में बता दूँ, देखो जिन डेट शीट के आगे यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा एसओएल, तो ये डेट शीट एसओएल वाले बच्चों की है जो कि टेंटेटिव डेट शीट है, और 95% चांस होते हैं कि टेंटेटिव डेट शीट को ही एसओएल की फाइनल डेट शीट में चेंज किया जाएगा। इसमें जो चीज़ें हैं वो सारी फाइनल में मिलेगी। 5% क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एरर होती है थोड़ी बहुत, इसमें गलतियाँ होंगी, जैसे डेट वगैरह टाइम वगैरह ध्यान से नहीं लिखा होगा या कोई सब्जेक्ट मिसिंग होगा, वो फाइनल डेट शीट में आपकी वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो 90% चांस है टेंटेटिव डेट शीट यही वाली आपकी फाइनल डेट शीट होने वाली है, ठीक है। अब देख सकते हो एसओएल जिस पे लिखा हुआ है, ये सारी एसओएल की डेट शीट है, और उसके अलावा जो बाकी डेट शीट है वो रेगुलर और एनसी वेब की भी होने वाली है, ठीक है। ये सारी डेट शीट आप तीनों की होती है। अब इसको मैं डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ बीकॉम ऑनर्स की, जो सेकेंड वाली है एसओएल की, तो ये फिफ्थ सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के बच्चों की है। ये डेट शीट डाउनलोड हो चुकी है, ये डेट शीट मेरे सामने आ चुकी है, आप देख सकते हो, ये रही आपकी डेट शीट, ठीक है। अब मैं इसको बता देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, और दोबारा बता दूँ ये टेंटेटिव डेट शीट है जो कि फाइनल डेट शीट से ही बन जाएगी और 90% सेम ही आएगी। ये बीकॉम ऑनर्स की है थर्ड सेमेस्टर की, ठीक है, जिनके नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे। अब यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे पूछेंगे डेट शीट को देखते कैसे, तो देखो ये डे है और डेट है, यहाँ पे आपको लिख रखा है 30 नवंबर 2022 से फिफ्थ सेमेस्टर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एग्ज़ाम होगा, जो कि होगा 9:30 बजे सुबह। टाइम दे रखा है एग्ज़ाम टाइमिंग कब होगा, ये आपका यूनिक पेपर कोड होता है और इधर आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसी तरह से नीचे आपको लिख रखा है 1 दिसंबर को होगा फर्स्ट सेमेस्टर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एग्ज़ाम सुबह 9:30 बजे। देखो फर्स्ट सेमेस्टर ये उन बच्चों का दे रखा है जिन बच्चों ने सेमेस्टर 1 में एग्ज़ाम नहीं दिया था, ईयर आई थी या कोई एग्ज़ाम छूट गया है, तो वो इम्प्रूवमेंट में फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम इस बार दिसंबर में दे सकते हैं। उसी के साथ साथ नीचे यहाँ पे इसी तरह आप देख सकते हो 2 दिसंबर को फिफ्थ सेमेस्टर का होगा, और इसी तरह से थर्ड सेमेस्टर वालों के एग्ज़ाम भी नीचे दिए हुए हैं। तो थर्ड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है बीकॉम ऑनर्स के, वो स्टार्ट होंगे 20 दिसंबर से, देख सकते हो ये थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम है। बस यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दे रखा, ध्यान से देखो, देखो मैंने बोला था इसमें गलतियाँ होंगी, तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, ये टेंटेटिव डेट शीट है। इधर भी नीचे आपको सब्जेक्ट अभी नहीं दिया, मगर यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे ऊपर यहाँ दिया हुआ है नीचे नहीं दिया हुआ, तो इसकी करेक्शन का ठीक होने का वेट करोगे तो ऑफिशियल जो डेट शीट आएगी उसमें ये सब चीज़ें होंगी, उसमें करेक्ट होगा। थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम 20 तारीख से चालू है, ये कोर्स है और टाइमिंग सुबह 9:30 बजे आपको दे रखी है, तो ये देख सकते हो इस तरह से आप मैच कर लेना, ठीक है। सेकंड चीज़ एक बार और मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये बीए प्रोग्राम की, ठीक है, अब बीए प्रोग्राम की एसओएल वाली दिखा देता हूँ, जिन डेट शीट के बगल में एसओएल ड्यू लिखा है या एसओएल लिखा है वो आपकी है, टेंटेटिव डेट शीट देख सकते हो, ये बीए प्रोग्राम की है। तो देखो यहाँ भी आपको दिख जाएगा ये एग्जामिनेशन डेट है, किस तारीख का एग्ज़ाम होगा, 3 दिसंबर का एग्ज़ाम होगा ए फर्स्ट सेमेस्टर का, ए सी सी का, इन इन सब्जेक्ट का, आपका जो भी सब्जेक्ट है इनमें से हिंदी इंग्लिश तमिल उसका एग्ज़ाम आपको देना है। उसी तरह से नीचे आप देखेंगे तो नीचे यहाँ पे सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम लिख रखा है, इकोनॉमिक्स का, एजुकेशन का, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, संस्कृत और कोड ये रहे सब्जेक्ट के, और टाइमिंग यहाँ पे आपको लिख रखी है, दे रखी है, ठीक है, 9:30 से 12:30 तक होगा संडे को, और यहाँ पे ले रखा है 2:30 बजे से 5:30 बजे। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न बच्चों को होगी, दो दो टाइमिंग है, किस टाइमिंग जाना है,
तो देखो मोस्टली गर्ल्स का जो होता है वो मॉर्निंग होता है, बॉयज़ का जो होता है वो इवनिंग टाइम होता है, तो इसके हिसाब से आपको फॉलो करना है। और ऑफिशियल जो डेट शीट आएगी उसका वेट करो, उसमें करेक्शन मिल जाएगी आपको ठीक से। तो ये डेट शीट है, नीचे थर्ड सेमेस्टर की भी दे रखी है। तो ये रही आपकी थर्ड सेमेस्टर की डेट शीट बीए प्रोग्राम की। तो यहाँ पे स्किल इनहेंस दे रखा है, इकोनॉमिक्स का, एजुकेशन का ये सब्जेक्ट है, और टाइमिंग यहाँ पे दे रखी है 24 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। ये सेमेस्टर थर्ड की है। तो देखो इसी तरह से आप अपनी डेट शीट को डाउनलोड कर सकते हो, टेंटेटिव डेट शीट रिलीज हो गई है, यहाँ से आप अपनी डेट शीट SOL वाली SOL के बच्चे डाउनलोड कर सकते हो। अब एक चीज़ और मैं बता दूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, कि अभी सेमेस्टर वन का या फिर सेमेस्टर फोर्थ का, सेमेस्टर फिफ्थ का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो ये नेक्स्ट एडमिशन भी नहीं हुए, अभी कोई अभी एडमिशन नहीं हुए, कोई बुक्स नहीं आई है, तो ये एग्ज़ाम डेट शीट कैसे रिलीज़ कर सकते हैं? तो बता दूँ ऑफलाइन क्लासेस कुछ कोर्सेज की स्टार्ट हो चुकी है, मैसेज आया है, तो उनको जाना है वरना नहीं जाना, ठीक है। और देखो आपका रिजल्ट जो है वो आता रहेगा SOLDU का, ये इस बार का नहीं हर बार का है, रिजल्ट आता रहेगा, एडमिशन भी होने लग जाएंगे, उसकी टेंशन आप मत लो, एडमिशन के बिना तो एग्ज़ाम में बैठने ही नहीं देंगे। एडमिशन भी होंगे, रिजल्ट भी आएगा, उसके बाद ही एडमिशन भी होंगे, और दिसंबर में एग्ज़ाम है तो अक्टूबर तक आपका सब चीज़ हो जाएगा, बस आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। इन सब चीज़ों में फंसोगे उलझोगे तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपकी रह जाएगी। SOLDU वाले एक बार भी एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे सोचने में कि आप लोगों को फेल या एब्सेंट क्यों दिया, वो लोग सीधा फेल करेंगे, साल बर्बाद आपका होगा। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, आप बार बार अगर ये एक्सक्यूज़ बनाते हो कि हमें पढ़ना कैसे, हमें रीड आउट कैसे करना है, बुक्स वगैरह हमारे पास है ही नहीं, तो मैं बता दूँ बुक्स ऑनलाइन साइट पर अवेलेबल है SOLDU की साइट पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका स्टडी मटेरियल है, ये सिलेबस है, यहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो UGPG का, ये स्टडी मटेरियल है SOL.DU.AC.IN। ये साइट का लिंक भी मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे कंप्लेंट करते हैं फिर भैया ये नहीं बताया वो नहीं बताया, ये BA प्रोग्राम, ये कोर्सेज चूज़ कर लो, सेमेस्टर आपका जो भी है फर्स्ट सेकेंड थर्ड है, तो थर्ड ये सारी बुक्स है देख सकते हो नीचे, बुक की PDF आप डाउनलोड करो यहाँ से और अपनी रीडिंग स्टार्ट करो। ऑफलाइन बुक है कुछ नहीं मिलेगा, और फिर भी अगर आप एक्सक्यूज़ बना रहे हो तो भाई फेल अगर हो गए तो उसके ज़िम्मेदार तुम खुद होने वाले हो, कोई SOLDU नहीं होगा, ठीक है, वो तो सिंपल हाथ खड़े कर लेंगे। मैं तो भला ही चाह रहा हूँ, इसलिए आपको बता दे रहा हूँ कि बुक्स हैंगी, बार बार हर वीडियो बनाता हूँ, बच्चे इसको देखे बिना कमेंट करने वाले हैं, मुझे भी ये भी पता है। तो भाई मैंने आपको बता दिया बुक्स हैं, आप रीडिंग करना स्टार्ट करो, पेपर की प्रिपरेशन करो, और वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है कि कैसे सिलेबस देखना है, आपका सिलेबस कौन सा होने वाला है उसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगी, उस पर जाके देख सकते हो कोर्स वाइज, ठीक है। और जितने भी बुक्स डाउनलोड कैसे करनी है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वो भी जाके आप देख सकते हो, सारी वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, SOLDU की सारी अपडेट चैनल एक्सप्लेन पे आपको मिलेगी। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।